हेलो दोस्तों, आप सभी का माय चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लाभ हानि पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने लाभ हानि पर आधारित जो भी सूत्र हैं उन सभी को देखा था, तो आज के इस वीडियो में हम इस पर आधारित प्रश्नों को चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाभ और हानि, लाभ मतलब होता है फायदा, हानि मतलब होता है नुकसान। इसमें एक और टर्म होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ऐसे मूल्य को कहा जाता है जिस पर किसी वस्तु को खरीदते हैं। विक्रय मूल्य ऐसे मूल्य को कहा जाता है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। अगर आप किसी वस्तु को ज़्यादा पर बेचोगे तो आपको लाभ होगा, कम पर बेचोगे तो आपको हानि होगा। ये आपका बेसिक चीज़ है, इसे आपको फार्मूले पे याद रखना या फिर सूत्र पर आधारित नहीं होना है, इसको आप नॉर्मल सोच कर बना सकते हो। तो देखिए, इसके लिए मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था कि कैसे आपको सॉल्व करना है, उसे हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पर आधारित हम प्रश्नों पर आगे चर्चा करेंगे। जब भी आपको लाभ होगा तो आपको जोड़ना है, जब भी आपको हानि होगा आपको घटाना है। आप किस में जोड़ेंगे? आपको 100 में जोड़ना है अगर लाभ होगा, अगर हानि होगा तो 100 में आपको घटाना है। अगर किसी व्यक्ति को 50% का लाभ होता है तो आपको 100 में जोड़ना है तो टोटल हो जाएगा आपको 150%। वहीं अगर किसी व्यक्ति को 15% का लाभ होता है तो इसे आपको लिखना है 100 जोड़कर 115%। अगर हानि होगा 15% का तो इसे क्या लिखना है आपको? 85%, मतलब 100 से घटाकर। अगर इसी को 25% की हानि होती है तो इसे आपको लिखना है 100 से घटाकर 75%। ये आपको समझ आ गया होगा। तो हम शॉर्ट कर देखते हैं कि आप आसानी से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात कर सकते हो। देखिए, अगर आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसको ध्यान से देखिएगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो आपको गुणा करना है, और क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो आपको भाग करना है। ये चार चीज़ें हैं। 100 से लाभ होगा तो जोड़ना है, हानि होगा तो घटाना है, क्रय होगा तो गुणा करना है, विक्रय अगर ज्ञात करना है तो आपको भाग करना है। जैसे मैं आपको प्रश्न बताता हूँ, कोई व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 60 रुपये में खरीदता है, तो ये हुआ उसका क्रय मूल्य और उसे लाभ होगा आपका 15%। 15% का लाभ हो रहा है, आपको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना है तो आपको गुणा करना है, तो 60 को लिख दीजिए, लाभ हो रहा है तो ये आपका हो गया 115, और इसे नीचे में आपको 100 लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये 115% होगा, प्रतिशत को हटाने से ये 100 होगा। इसे काट लीजिए, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 6, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 5, ठीक है, इसको कटाना आपको सीखना है। इसे आप गुणा कर दीजिए तो ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 6, तो ये हो गया आपका, अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य आपका आ गया 69 रुपये। वहीं अगर कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए इसी प्रश्न को बनाते हैं, उसे 15% का लाभ होता है, ठीक है, बेचने पर किसी चीज़ को 15% का उसे लाभ होता है, तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है क्या लिखना है आपको? सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया रहेगा आपको, तभी ना क्रय मूल्य ज्ञात करोगे। यहाँ पर आपको क्या करना है? भाग करना है। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है तो 115 को भाग कर देंगे, ऊपर में आ जाएगा आपका 100% हटेगा। तो आप इसे कटा लीजिए, ये आपका हटेगा 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 5, 0, इसे गुणा कर देना है तो ये हो जाएगा आपका 12 × 3, इसको आप भाग कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि उसका क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। क्रय मूल्य में आपको भाग करना है, क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना रहेगा तो भाग करना है, विक्रय मूल्य अगर ज्ञात करना रहेगा तो गुणा करना है। चलिए और प्रश्न देखते हैं हम, चलिए इसको देखते हैं हम शॉर्ट में, मैं बताता हूँ आपको। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य अगर आपका दिया है 50 रुपये और अगर आपको हानि हो रहा है 5% का, तो इसे कैसे सॉल्व करना है? हानि में आपको घटाना है तो इसे लिख देना है आपको 95%। सेलिंग प्राइस दिया है आपको, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने पे आपको क्या करना पड़ेगा? भाग, तो इसे लिख दीजिए, भाग कर दीजिए 95 को, ऊपर लिख दीजिए 100, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वहीं पे अगर ये देखिए, अगर यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस दिया है 50 रुपये और आपको 5% की हानि हो रहा है, तो इसे भी आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है, तो 50 लिख दीजिए, विक्रय मूल्य में आपको गुणा करना रहता है तो 95 को गुणा करना है, नीचे में आएगा 100, तो ये हो गया आपका 2 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14.5, 47.5 आपका आया, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है 50 रुपये में किसी चीज़ को ख़रीदता है और 47.5 मतलब कम में बेच रहा है, मतलब उसको हानि होगा 5% का, तो ये आपका हुआ शॉर्ट ट्रिक। इससे आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
आपको याद रखना है कि जो परीक्षाएं पूछे जाता है वो आपका इसी पे बेस्ड रहेगा, हमेशा आपका क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को 50 रुपये में खरीदता है, उसे 20 रुपये, उसे 2% का हानि होता है, तो वह उसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। बस आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। आपको या तो क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय निकालिए, विक्रय दिया है तो क्रय निकालिए, अगर लाभ का प्रतिशत है तो उसका लाभ का प्रतिशत निकालिए। चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। राम ने एक घोड़ा 8,250 रुपये में खरीदा, 8,250 रुपये में खरीदा, मतलब आपका दिया है क्रय मूल्य, और उसे 4% का लाभ होता है, 4% का लाभ। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको गुणा करना पड़ता है। लाभ हो रहा है तो इसे लिख देंगे 104, ठीक है। 8,250 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो मल्टीप्लाई 104 से भाग करना है 100, इसे कटा दीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा 5 से, 5 एकम 5। इस कटाने का हमारा वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 पंचे 25, 165, इसे कटा देते हैं, ये हो जाएगा 52। इसे जब आप गुणा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि विक्रय मूल्य कितना होगा। हानि पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं कि हानि पर आधारित अगर कोई प्रश्न पूछा गया है तो आपको किस तरह ज्ञात करना है। अगर आपके इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी के कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, अभी हमने केवल एक निकाला, अगर आपको कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 2 जोड़कर पूछा जाता है, क्योंकि इतने बेसिक क्वेश्चन आपको नहीं पूछते हैं, लेकिन जो बनेगा वो इसी बेसिक से ही बनेगा। जैसे प्रश्न दिया है आपका, एक हीटर का मूल्य 585 रुपये है, मतलब ये है आपका क्रय मूल्य। आगे आपको बोला है कि 10% हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका विक्रय दिया है, एक हीटर का जो विक्रय मूल्य 585 रुपये है और उसे हानि होता है आपका 10% हानि, तो इसे डायरेक्ट लिख दीजिए 90%, ठीक है। घटाकर विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य में हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। 585 लिख दीजिए, इसे भाग कर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए 100, इसे कटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कटाना आपको सीखना है, 5 से कटेगा, जैसे देखिए 5 एकम 5, ये हो गया 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर इसे कटाएंगे 9 से, ये हो गया आपका 50, इसे जब आप कटाओगे तो ये आपका कटेगा 13 में, 13 पंचे 65, 650, ठीक है। तो इसका आपका आंसर आया 650, मतलब 650 में वो खरीदा था और कम में बेच दिया तो उसे 10% का हानि हो गया। तो इस प्रकार आप आसानी से जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी का हम कंबाइन फॉर्म देखते हैं कि दो प्रश्न एक दूसरे से कैसे जुड़े हों, और उसी टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने तक सीमित न रखें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि CGTT परीक्षा आपकी पात्रता परीक्षा है, आप चाहें कि आपके दोस्त भी इस परीक्षा में पास हों, ठीक है। चलिए कंबाइन फॉर्म में देखते हैं हम दो प्रश्न एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े होते हैं। जैसे एक घड़ी का आपका विक्रय मूल्य दिया है 1,440 रुपये, विक्रय मूल्य दिया है। आगे बोल रहा है एक घड़ी को 1,440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो फिर आपको बताना है कि वह उस घड़ी को कितने रुपये में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। तो इस स्थिति पर आपको विक्रय दिया है, एक लाभ दिया है, तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए क्रय मूल्य 1,440, क्रय मूल्य में आप भाग करते हो तो ये हो गया 90, ये हो गया 100, इसे कटा दीजिए, इसे कटाइए, 3 3 9, 3 4 12, 3 8 24, 3 1 3 6 18, ये आपका आ गया 1,600 रुपये, मतलब 1,600 रुपये में उसने उस घड़ी को खरीदा है। आप इसको चाहिए 15% लाभ, ठीक है, तो इस क्रय मूल्य का 15% आपको लाभ चाहिए, तो ये आपका अब स्थिति में क्या हो गया, आपको ये आपका क्रय मूल्य बन गया और आपको अब बेचना है 15% लाभ में, तो इसका निकाल लीजिए आपका 115%, ये हो गया। तो अभी आप जो निकाल रहे हो वो है आपका विक्रय मूल्य, पहले विक्रय मूल्य दिया था जिसमें उसको हानि हो गया, तो आपको पता चल गया कि इसका क्रय मूल्य कितना है। अब क्रय मूल्य जब पता है, अब उसको फिर से बेचना है, तो देखिए उसको फिर से बेचना है, मतलब फिर से आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब इस स्थिति में आपको लाभ लेना है तो आपको लाभ करना है, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व करके इसको आप आंसर निकाल सकते हो। देखिए अब इसको दोनों को गुणा कर दीजिए, 16 गुणा 115, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा।
16 पंचे होता है आपका 80, ये आ गया 8 हासिल, 16 एकम 16 और 16 चार होता है 24, 2 हासिल, 16 एकम 16 18, 1840 आपका आंसर आ रहा है कि उसको 15% लाभ चाहिए तो वो जो है 1840 रुपये में बेचेगा। केवल यही प्रकार इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, इस चीज़ को याद रखिए। यह आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुका है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब आपका वेराइटी जो है वो चेंज होगा, हम अलग अलग ऐसे पैटर्न को पढ़ेंगे जो आपका स्पेशल नियम से बनते हैं, ठीक है। उसका आपका नियम फिक्स होता है, उसे आपको याद रखना है कि आपका कैसा बनेगा। जैसे देखते हैं क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने दो मकानों में से प्रत्येक को 4000, देखिए यहाँ पर दिया है 4, 6, 7, 9, 5, 8 रुपये पे बेचा, प्रत्येक को बोला है, मतलब दो मकान हैं उसमें से प्रत्येक को वो इतने में बेच रहा है। आगे बोल रहा है एक में उसे 12% का लाभ हुआ और एक में उसे 12% की हानि हुई। अब आपको बताना है कि उसे वास्तव में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का हानि हुआ। देखिए आपका दो मकान हैं, प्रत्येक को मतलब एक को इतने में बेचा और दूसरे को भी इतने ही में बेचा, एक में उसे क्या हुआ लाभ हो गया, दूसरे मकान में क्या हुआ उसे हानि हो गया। अब आपको कंबाइन बताना है कि वास्तव में उस व्यक्ति को लाभ हुआ कि हानि हुआ, ठीक है, दोनों मकान को जो बेचने से। तो यहाँ देखिए ये जो दिया है, अगर आपको प्रत्येक विक्रय मूल्य दिया हो प्रश्न में, इस चीज़ को याद रखिएगा, यही आपका की पॉइंट है। अगर विक्रय मूल्य दिया है, एक में आपको लाभ हो रहा है और एक में आपको हानि हो रहा है और जो प्रतिशत है वो आपका सेम हो, तो इसके लिए आपको निकालते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ प्रतिशत अपॉन अपॉन 10, यहाँ पे 10 रहेगा का स्क्वायर, और ये होगा आपका हानि प्रतिशत। ऐसा जब भी सिचुएशन होता है कि कोई व्यक्ति दो वस्तु को बेच रहा है ऐसे विक्रय मूल्य और उसको एक में लाभ और एक में हानि हो रहा है, तो उसको हर स्थिति पर अगर इसका मान समान है तो उसे हमेशा हानि होगा, याद रखिए हमेशा उसको हानि होगा। इसका फार्मूला है, ये आपको फार्मूला याद रखना है, जो उभयनिष्ठ वैल्यू है दोनों में 12 प्रतिशत है तो आपको यहाँ रखना है, नीचे 10 लिखना है और उसको इसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर आपका 12 प्रतिशत है तो 12 लिख दिए, नीचे में लिख देंगे 10 और इसे कर देंगे वर्ग। इसे जब आप भाग करोगे या फिर दशमलव लगाओगे तो ये हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर, इसे आप करोगे तो ये आपका इस प्रकार आएगा 1.44% की हानि। तो उस व्यक्ति को इस वस्तु को बेचने पर 1.44% की हानि हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका स्पेशल क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है।